नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। पिछले कुछ टाइम से इन्फोसिस के मैनेजमेंट पर विसल ब्लोअर्स अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, तो इन चीजों के बारे में बात करने से पहले इन्फोसिस के शॉर्ट में हिस्ट्री देखेंगे। इन्फोसिस 1981 में पुणे में शुरू हुई। उसे एनआर नारायण मूर्ति, नंदन निलेकनी और 5 और को-फाउंडर्स ने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू किया था, और वो 10,000 रुपए मिस्टर नारायण मूर्ति ने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से लिए थे। इन्फोसिस का पहला ऑफिस मिस्टर नारायण मूर्ति का घर ही था, तो इस तरह इन्फोसिस मिस्टर नारायण मूर्ति के घर से शुरू हुई थी। और 1983 में कंपनी पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद इन्फोसिस काफी अच्छी ग्रोथ करने लगी। फिर 1993 में कंपनी का IPO आया, और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ अलग ही स्टेज पर चली गई। और फिलहाल इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और टॉप 10 कंपनीज में आती है। 10,000 रुपए से शुरू हुई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 2,90,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो चलो अब देखते हैं कि इस कंपनी में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इन्फोसिस काफी ज्यादा न्यूज में है। वैसे इन्फोसिस पर कुछ विसल ब्लोअर्स ने आरोप लगाया है कि उनके मैनेजमेंट ने कुछ अनइथिकल एक्टिविटीज की है और कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट फिगर बढ़ा दिए हैं। रिसेंटली और एक विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस के CEO लगातार कई सारी अनइथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन्फोसिस के लिए ये न्यूज शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज वाली कंपनी है, जिनमें पैसों के बजाय एथिक्स और इंटीग्रिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये जो आरोप किए गए हैं ये इन्फोसिस के एम्प्लॉयज ने ही किए हैं, और ये आरोप मेनली इन्फोसिस के CEO मिस्टर सलील पारिक पर किए गए हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI अब इन आरोपों की छानबीन कर रही है कि क्या ये आरोप सही है या फिर ये कुछ झूठे आरोप है जिन्हें शॉर्ट सेलर्स ने करवाया है। जैसे ये आरोप बाहर आए, इन्फोसिस का स्टॉक अच्छा खासा गिर गया था, जिसमें कई सारे शॉर्ट सेलर्स ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। तो शॉर्ट सेलिंग के एंगल पर भी SEBI चेकिंग कर रही है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिसेंटली कई सारी कंपनीज के मैनेजमेंट के फ्रॉड बाहर आ रहे हैं, जिसमें DHFL का नाम आ रहा है, PMC बैंक का नाम आ रहा है। DHFL के मैनेजमेंट पर आरोप है कि उन्होंने कई सारा पैसा कंपनी से बाहर निकालकर अपनी खुद की कंपनीज को ट्रांसफर किया है। वही PMC बैंक के मैनेजमेंट पर ही आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनी HDIL को लिमिट से ज्यादा पैसा लोन के तौर पर दिया, और वो चीज RBI को इन्फॉर्म तक नहीं की। तो ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जब से इन्फोसिस शुरू हुई तब से लेकर 2014 तक इन्फोसिस के सारे CEOs इन्फोसिस के प्रमोटर्स थे। फिर 2014 में मिस्टर विशाल सिक्का इन्फोसिस के CEO बने। वो 3 साल तक इन्फोसिस के CEO रहे। उसके बाद मिस्टर सलील पारेख इन्फोसिस के CEO बने। तो SEBI इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तो ऐसे में इस चीज पर ओपिनियन देना सही नहीं होगा। सो लेट्स वेट फॉर द SEBI's रिपोर्ट। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।